हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शर्मा आप सभी का एक बार फिर से एमएनएस क्लासेस पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आई होप आपकी गेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम गेट 2019 के सॉल्यूशन को करने जा रहे हैं। मैंने पिछले वीडियोस में गेट 2020 के सॉल्यूशन को अच्छे से सभी सब्जेक्ट को सेपरेट वाइज बनाया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो उन वीडियोज की लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट को कवर करेंगे जो कि पूछा गया था गेट 2019 में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ और बाकी सभी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। गेट 2019 में सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था क्वेश्चन नंबर 6। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। For a fully developed turbulent hydrodynamic boundary layer for flow past a flat plate, the thickness of the boundary layer increases with distance x from the leading edge along the free stream flow direction. तो आपको बताना है कि boundary layer thickness का जो उसकी distance है leading edge से, उसका relationship turbulent के flow में क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टर्बुलेंट फ्लो और लेमिनार फ्लो में जो वेलोसिटी बाउंड्री लेयर होती है उसका रिलेशनशिप थिकनेस के साथ कैसा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको टर्बुलेंट के केस के लिए बताता हूं। तो जब आपके यहाँ टर्बुलेंट फ्लो होता है, दैट मींस फ्लैट प्लेट पर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 5×10^5 से ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद जो थिकनेस का रिलेशनशिप होता है वो होता है डेल by x equal to 0.376 divide Reynold number at x to the power 0.2, okay? ये जो relationship होता है वो होता है turbulent में। तो देखिए, Reynold number को आप जानते हैं क्या होता है, rho v x by d for flat plate, ये आपको पता है। तो एक x इसमें है और एक x यहां पर, तो जब आप डेल एक्स को करेंगे प्रोपोर्शनली तो ये कुछ बचेगा एक्स टू दी पावर 0.8। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हुआ ऑप्शन डी। ओके, एक एक्स इसमें था, इसकी पावर 1 में से माइनस होगी और अल्टीमेटली बचेगा 0.8, जो कि हो गया आपका राइट आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था गेट 2019 में वो था क्वेश्चन नंबर 3 और 1 मार्क का जो पूछा गया था। इसमें आपको एक डायग्राम बताया था जिसमें एक लिफ्टर था और एक तरफ उसमें फोर्स बैलेंस था। ओके, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ ही लीजिए। फॉर अ हाइड्रोलिक लिफ्ट विद द डायमेंशन शोन इन फिगर, एज्यूमिंग जी इज 10 द मैक्सिमम डायमीटर दैट लिफ्ट अ व्हीकल ऑफ 1000 kg यूजिंग अ फोर्स ऑफ 100 N इज। तो आपसे ही सिंपल सा क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि इस हाइड्रोलिक प्रेस पर 100 N का जो फोर्स लगाया है उसको किसी कार को जिसका वजन है 1000 kg, 1000 kg की ये कार है, इसको उठाने के लिए हाइड्रोलिक प्रेस का डायमीटर कितना होना चाहिए। ओके, सिंपल सा इतना पूछा है, यानी कि आपको दोनों ही केसेस में फोर्स बैलेंस करना है। फोर्स बैलेंस कैसे करेंगे कि यहां पर जो अप्लाई प्रेशर है इसको मैं बोल देता हूं P1 और यहां पर जो प्रेशर है P2, ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, P1 = P2, क्योंकि इसने जब यहां प्रेस किया है तभी ये उठेगा। चलिए, प्रेशर को आप जानते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यहां मैं बोलता हूं F/A = F/A। ओके, तो ये जो फोर्स है ये तो अप्लाई किया हुआ है 100 N का, तो यहां पे आप लिख दीजिए 100 डिवाइड एरिया ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस, तो आप यहां लिखेंगे π/4 डी लिफ्ट स्क्वायर इक्वल टू, अब ये जो F है तो F को आप जानते हैं क्या लिख सकते हैं, F = mg होता है, आप यहां पर mg रिप्लेस करिए और इसका एरिया क्या होगा π/4 डी स्क्वायर, ये π/4 से π/4 कैंसिल, यहां पे आपको 100 तो दिया ही था, डी स्क्वायर जो कि आपको पता करना है, एम इज 1000, जी इज 10 गिवन डिवाइड डी।
अब यहाँ पर जो डायमीटर है वो है 2 मीटर, सो 2 का स्क्वायर। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो डी लिफ्ट है इसकी वैल्यू जो निकल कर आएगी वो होगी 0.20 मीटर। ओके, और इस क्वेश्चन की जो रेंज दी थी आपको, इस क्वेश्चन की जो रेंज दी थी वो दी थी 0.192.21, यानी कि जो आपका आंसर आया है 0.20 वो आपकी रेंज के अंदर है, तो आपका ये क्वेश्चन सही होगा और आपको राइट करने पर 1 मार्क दिया जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। यहाँ पे सिर्फ फोर्स बैलेंस करना था और प्रेशर की जो फाउंडेशन होती है, डेफिनेशन होती है कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू प्रेशर, वही हमने यूज किया और आंसर आ गया। ओके, अगर आपको फिर भी कोई इशू हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2019 में, क्वेश्चन नंबर 28। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप पढ़िए। एन इनकम्पेरिसिबल न्यूटोनियन फ्लूइड फ्लोज इन अ पाइप ऑफ डायमीटर d1 एट अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट q। फ्लूइड विद सेम प्रॉपर्टीज फ्लोज इन अनदर पाइप ऑफ डायमीटर d2 एंड d2 इक्वल टू d1 अपॉन 2 एट द सेम फ्लो रेट q। द ट्रांजिशन लेंथ रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग द फुली डेवलप्ड फ्लो इज L1 फॉर द ट्यूब ऑफ डायमीटर d1 व्हाइल इट इज L2 फॉर द ट्यूब ऑफ डायमीटर d2। एज्यूमिंग स्टडी लेमिनार फ्लो इन बोथ केसेस द रेशियो ऑफ L1 अपॉन L2 इज। तो इन्होंने सिंपल साहब से ये बोला है कि आपके पास एक d1 डायमीटर का पाइप है जिसकी लेंथ है L1। ओके, और यहां पर फ्लो हो रहा है q, इसका डायमीटर है d1। सेम पाइप बट डिफरेंट डायमीटर एंड डिफरेंट लेंथ, सो L2 एंड d2, और यहां पर भी जो फ्लो रेट है वो भी q है। अब आपसे बोला है कि L1 अपॉन L2 क्या होगा जब वो लेमिनार फ्लो डेवलप्ड कर लेंगे। ओके, बस आपको इतना सा बोला है। तो आप इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन लेंथ और डायामीटर में जब लेमिनार फ्लो होता है तब वो केस कौन सा होगा। सो लेमिनार फ्लो में जब बाउंड्री लेयर डेवलप्ड हो जाती है और ट्रांजिशन लेंथ का रिलेशन होता है एल अपॉन डी 0.05 मल्टीप्लाई रेनॉल्ड नंबर। ओके, ये जो रिलेशनशिप है वो लेमिनार फ्लो के लिए होता है ओनली, ये आप टर्बुलेंट फ्लो पे नहीं लगाएंगे। अब यहां पर आप इस रेनॉल्ड नंबर को जानते हैं, क्या लिख सकते हैं, रो वी डी ओवर म्यू। नाउ कंटिन्यूटी इक्वेशन जो कि होती है फ्लो रेट वेलोसिटी एंड डायमीटर का रिलेशनशिप जो कि क्या होती है क्यू इक्वल टू ए वी हम लिख सकते हैं, और ए को हम जानते हैं पाई अपॉन 4 डी स्क्वायर। ओके, सो क्यू इक्वल टू पाई अपॉन 4 डी स्क्वायर वी, ये इस तरीके से बन जाएगा। अब यहां से आप वी की वैल्यू निकालिए, 4q/π d² आप ये लिख सकते हैं। अब इस रेनॉल्ड नंबर में ये जो रो वी डी है इसमें वी की वैल्यू को आप यहां से क्यू के टर्म्स में पुट कर दीजिए, सो एल अपॉन डी इक्वल टू 0.05 रो 4q/π d² d μ, आप ये लिख सकते हैं। एक d से d कैंसिल और एक d से d कैंसिल। ओके, सो अल्टीमेटली l इक्वल टू क्या बचेगा, 0.05 रो 4q/μ ये बचेगा। अब आप यहां से देखिए l इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम d, सो l इज इंडिपेंडेंट ऑफ d, मतलब क्या हुआ, l डिपेंड ही नहीं करता d पर। सो L1 अपॉन L2 क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि l इज कॉन्स्टेंट। सो L1 इक्वल टू L2 हो जाएगा, तो L1 अपॉन L2 इज वॉट, 1। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, 1। तो यहां पर आप राइट ऑप्शन किस सिलेक्ट करेंगे, b। तो आपने इस क्वेश्चन में देखा स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले आपको रिलेशनशिप पता होना चाहिए एल अपॉन डी इक्वल टू 0.045 इक्वल टू इनटू मल्टीप्लाई रेनॉल्ड नंबर। ओके,
ये होता है लेमिनार फ्लो। आपको क्वेश्चन में क्लियरली लास्ट लाइन में बोला था कि लेमिनार फ्लो में इस रिलेशनशिप को बताइए, तो जब आपने लेमिनार फ्लो देखा तभी आपने इस रिलेशनशिप को आपको याद आ जाना चाहिए था। अब इस रिलेशनशिप के आने के बाद आपको सिर्फ ये करना है कि रेनॉल्ड नंबर के अंदर ये जो वेलोसिटी होती है उसको चेंज कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू डायामीटर एंड फ्लो रेट। अब ये जो फ्लो रेट है वो आपको बोला है Q1 इक्वल टू Q2, दोनों ही केस में सेम होगी। ये इस वाली लाइन में लिखा है, देखिए यहां पर भी Q है और पहले वाले में भी Q है। जब दोनों ही केस में Q है तो आपने लिख दिया, और L डिपेंड ही नहीं करता D पर, तो D की तो बात ही नहीं आएगी। ओके, तो L1 अपॉन L2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को, जो कि पूछा गया था गेट 2019 में। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 41, जो कि था पंप सेक्शन से, और ये क्वेश्चन गेट में हर बार आता है 2 मार्क्स का। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आखिरी भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर साल के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज यूज्ड टू पंप वाटर ऑफ डेंसिटी ऑफ 1000 kg/m³ फ्रॉम एन इनलेट प्रेशर ऑफ 10^5 pascal टू एन एग्जिट प्रेशर ऑफ 2×10^5 pascal। द एग्जिट इट एन एलिवेशन ऑफ 10 meters अबव द पंप। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज 10 m/s। द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप्स एट द पंप इनलेट एंड आउटलेट इज 10^-3 m². द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी इक्वल टू 10 m/s². निग्लेक्टिंग लॉसेज इन द सिस्टम द पावर डिलीवर्ड बाय द पंप इज, यानी कि पंप ने कितना पावर डिलीवर किया फ्लूड को कि वो जो पानी है आपका वो 10 m एलिवेशन तक चढ़ जाए और उसके इनलेट का प्रेशर हो 10^5 और आउटलेट का प्रेशर हो 2×10^5। आपको सिर्फ इतना सा बोला है। ओके, तो आपको क्या क्या दिया है आप पहले वो लिख लीजिए। आपको P1 दिया हुआ है इनलेट का प्रेशर जो कि है 10^5 pascal। तो आपको वैल्यू दी है P2 की जो कि है एग्जिट प्रेशर की और वो है आउटलेट पर 2×10^5 pascal। ये दो वैल्यू हो गई। अब इसके बाद आपको पाइप का एरिया दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो कि है 10^-3 m². आपको वेलोसिटी दी है पाइप में जो फ्लूड फ्लो हो रहा है 10 m/s। ओके, और आपको डेंसिटी ऑफ फ्लूड दिया है 1000 kg/m³। अब आपसे पूछा है सिंपली कि आप बताइए कि पावर कितनी होगी। ओके, तो और यहां पर आपको निग्लेक्टिंग लॉसेस करना है, मतलब आपके जितने भी लॉसेस हैं आपको जो भी लॉसेस कंसीडर करने हैं वो होंगे 0। तो यहां पर आप जानते हैं कि बर्नौली इक्वेशन का यूज होगा। चलिए, आपको बर्नौली इक्वेशन यूज करनी है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी में जो कि होती है जूल पर केजी। तो P1 अपॉन रो प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ1 प्लस ηW इक्वल टू P2 अपॉन रो प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ2 प्लस HF। ये मैंने आपको रियल फ्लूड के लिए बताई है जो कि पंप में यूज होती है। अब यहाँ पे जो भी टर्म है आप उसको कैंसिल कर लीजिए। देखिए V1 इक्वल टू V2 होगा क्योंकि पाइप का एरिया चेंज नहीं हो रहा तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो V1 और V2 हो गए सेम। उसके बाद अगर मैंने किसी पंप को आप यहाँ कंसिडर करिए, यहाँ ये एक पंप लगा हुआ है, ठीक है, और आपका जो वाटर है वो पहले इसी के सेम फ्लोर पे एग्जिस्ट करता है। अब यहां से आप 10 m अबव किसी वाटर को सप्लाई कर रहे हैं, तो मैंने जो रेफरेंस लाइन मानी है वो मैंने यहीं से मानी है, यानी कि मैं Z1 को कंसिडर कर सकता हूँ 0। उसके बाद जो लॉसेस हैं वो 0 मानने को क्वेश्चन ने बोला हुआ है। तो अल्टीमेटली आपके 3 टर्म्स बचे, फर्स्ट P1 अपॉन रो, सेकेंड P2 अपॉन रो एंड थर्ड इज GZ2। तो आप यहां पर ηW के टर्म्स में इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो P2 की वैल्यू है 2×10^5 अपॉन रो इज 1000 माइनस P1 को आप राइट हैंड साइड शिफ्ट करिए,
10 टू द पावर 5 अपॉन 1000 प्लस g की वैल्यू है 10 एंड z इज आल्सो 10. जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो ईटा w कम्स 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 माइनस 10 टू द पावर 5. यहां आप एलसीएम ले सकते हैं, ये जो कि आएगा 1000 प्लस 100. तो यहां से ईटा w की वैल्यू निकल कर आई 200 ओके जूल पर केजी. अभी आपकी ये पावर नहीं आई है, अभी आपको पावर निकालनी है. तो चलिए उसके लिए क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं. देखिए पावर डिलीवर्ड टू द फ्लूड, पावर डिलीवर्ड टू द फ्लूड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए. इसका फॉर्मूला होता है एम डॉट डब्ल्यू पी ओके. तो ये जो एम डॉट है वो क्या होता है, मास फ्लो रेट होता है ओके. मास फ्लो रेट की यूनिट क्या होती है, केजी पर सेकंड. और डब्ल्यू पी आपने कैलकुलेट कर लिया है. सो इस एम डॉट को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे आप, डेंसिटी मल्टीप्लाई वेलोसिटी मल्टीप्लाई एरिया. तो देखिए आप डेंसिटी है आपकी 1000 केजी पर मीटर क्यूब, उसके बाद वेलोसिटी है आपकी 10 मीटर पर सेकंड, और एरिया आपका है 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर. सो दिस इज कैंसिल आउट दिस, सो अल्टीमेटली द वैल्यू कम्स 10 केजी पर मीटर 10 केजी पर सेकंड ओके. सो ये एम डॉट की वैल्यू आ गई. अब आपको सिंपली बस दो वैल्यू रखनी है, पावर आपकी हाथों में आ चुकी है. सो पावर इक्वल टू एम की वैल्यू है 10 और डब्ल्यू पी की वैल्यू है 200. तो देखिए इसकी वैल्यू थी, यूनिट थी केजी पर सेकंड, और ये था जूल पर केजी. सो जूल पर सेकंड इज इक्विवेलेंट टू वॉट्स, ये आपको पता है. सो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या हो गया, 2000 वॉट्स. यही आपका सही आंसर था. अगर आप पहले ही 200 पे रुक जाएंगे तो आपका आंसर वो हो जाएगा गलत. फिर आप ये मत बोलिएगा कि आपको पूरा नहीं बताया गया था. ठीक है, तो आपको जो रेंज दी गई थी क्वेश्चन में वो थी 1990 से 2010 तक. तो आपका आंसर 2000 आ रहा है जो कि एक गिवन लिमिट के अंदर है ओके. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. अगर नहीं तो आप इसको दोबारा से देखिएगा, मैंने आपको एक एक स्टेप करके बताया है. आपको ये क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हर साल गेट में ये 2 मार्क का क्वेश्चन आता है. सिर्फ वैल्यूज चेंज होती हैं और कुछ चेंज नहीं होगा. तो अगर आपको 2 नंबर चाहिए तो आप इस क्वेश्चन को रिपीट करके 2 से 3 बार देखिए और आपके नंबर आ जाएंगे. आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा. आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आगे भी इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे हीट ट्रांसफर के रिलेटेड क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे गेट 2019 में. तब तक आप अपनी तैयारी को अच्छे से रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने इस वीडियो को पूरा देखा.